Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। इतनी मुश्किल से उस बानी और उसकी बहनों से छुटकारा मिला था। जय भैया की उस नकली बहू को अब इस घर में पूरे 14 दिन रहने का वक्त मिल गया है। मुझे उस लड़के की नियत का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन नहीं बानी, इतना आसान नहीं है। मिस्टर निरूकर, जिज्ञासा वालिया बोल रही हूँ। हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। नहीं, मैंने इसलिए फोन किया था क्योंकि मैं आपसे एक फेवर चाहती थी। एक अग्रीमेंट बनाना है और मुझे वो कल ही चाहिए। क्या बात है बेटा, क्या सोच रहा है? जी कुछ नहीं, आप बैठिए। अरे ये बिस्तर यहाँ क्यों बिछा है? यहाँ कौन सोता है बेटा? वो मासी, मेरे कमर में दर्द रहता ना तो मैं वहां सो जाती हूँ। अरे मेरी बेटी, कमर में दर्द है तो नीचे सोने की क्या जरूरत है? अरे ये गद्दा यहाँ से हटा दो, इसकी जगह पर साफ चादर बिछा दो। बेटा अच्छा नहीं लगता ना बहू नीचे सोए। मैं ऐसा करती हूँ, नौकरों को कह के गद्दा हटवा देती हूँ। नहीं नहीं, मैं हटा देती हूँ, कोई बात नहीं। बेटा शादी के बाद पति और पत्नी को साथ साथ रहना चाहिए, अलग अलग नहीं। मासी रात बहुत हो गई, डॉक्टर ने कहा है कि आपको आराम की जरूरत है, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। मिस्टर वालिया, आपका अपने कमरे से बाहर जाना मासी को अच्छा नहीं लगेगा। किससे करे शिकवा, वक्त बुरा आया, आंखें दिखाने लगा हम साया। किससे करे शिकवा, वक्त बुरा आया, आंखें दिखाने लगा हम साया।
कुछ हो गया। तुम और दी मुझसे मिले बगैर ही माउंट आबू जा रहे थे। मिस्टर वालिया ने इतना बड़ा इल्जाम लगाया दी पर, क्या जरूरत थी दी को उस घर में वापस जाने की? जब मिस्टर वालिया ने दी के साथ कोई रिश्ता नहीं निभाया तो दी का उनके रिश्तेदारों के साथ क्या रिश्ता? पता नहीं दी के साथ उस घर में क्या सलूक हो रहा होगा। पिया, दीदी उस घर में सिर्फ मासी की वजह से गई है, मुझे भी उनकी बहुत चिंता हो रही है। हमारी एक गलती की वजह से दी को कितना भुगतना पड़ रहा है, हमारे लिए बहुत दुख उठाए हैं ना दीदी। अब और नहीं, दी उस घर में नहीं रहेंगी। पुष्कर, मुझे दी से अभी बात करनी है। पानी को अपनी वजह से अब और कोई मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगा। तुम रोना मत दिया, रात बहुत हो चुकी है, सुबह होते ही मैं पानी से खुद फोन करके बात करूंगा। इस समय वहां फोन करना ठीक नहीं होगा। पता नहीं पुष्कर, दी की जिंदगी की ये रात कब खत्म होगी। हाँ बेटी, और जब तू पुष्कर को ये बताएगी कि उसकी बिल्लो मौसी आई है तो देखना खुशी से दौड़ा दौड़ा चला आएगा। मैंने गोद में खिलाया उसे, इतना छोटा सा था। अरे क्या क्या बात बताऊँ उसकी तुझे। बहुत शरारती था। हाँ लो, मेरी बहू बानी भी आ गई। पता है तुझे, अभी अभी पूजा घर से आ रही है। जीती रहे जीती रहे। हाँ याद रखना, देख जो जो मैंने बताया ना उसे पूरी बात बताना। हाँ हाँ जरूर बातें करेंगे, जब मिलेंगे तो ढेर सारी बातें करेंगे और क्या। एक मिनट फोन मत काटना, आप बानी से बात कर। ले पिया से बात कर, एक मिनट बेटा। हाँ लेना। बात कर। हाँ पिया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपना और रानू का ख्याल रखना। ऐसा कर, आज रात के लिए दोनों को खाने पे बुला ले, बोल मौसी बोल रही है, इसी बहाने मिलना हो जाएगा। बोल। अरे मैंने अभी तक उसके दुल्हन को देखा भी नहीं, इस बहाने मैं उसके दुल्हन को देख भी लूंगी, क्यों ठीक रहेगा ना। अभी तक देखा भी नहीं है मैंने उसको। अच्छा सा खाना कुछ बना। पिया, वो मौसी जी ने तुम्हें और पुष्कर को आज रात खाने पे बुलाया है, तुम दोनों पहुंच जाना। बाय।
Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।